नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में बम्पर वैकेंसी की। जी हां दोस्तों, 2023 में क्या है, 13 साल बाद जो बम्पर पदों पर जो वैकेंसी है राजस्थान में आने वाली है, कौन से विभाग में आएगी, विज्ञप्ति कब तक जारी होगी या फिर जारी हो चुकी है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक बार, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बात करें राजस्थान में बम्पर वैकेंसी की, तो ये आपकी जो वैकेंसी है वो आयुष विभाग यानी चिकित्सा विभाग की वैकेंसी आपकी 13 साल बाद ये वैकेंसी क्या है भी राजस्थान में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी की जो विज्ञप्ति है वो भी जारी हो चुकी है। 652 पदों पर, कितने 652 पदों पर 13 साल बाद ये चिकित्सा अधिकारी के पदों पर जो बम्पर वैकेंसी है वो आई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके अलावा इस वैकेंसीज की बात करें तो 652 पद जो विज्ञप्ति आपकी जारी हो चुकी है और 150 पद हैं वो आपके डीपीसी होने के बाद भी इस वैकेंसी में ऐड है वो किए जाएंगे। यानी 652 पदों पर विज्ञप्ति जारी है और 150 पद आपके क्या होंगे भी ऐड होंगे, तो 802 पदों पर ये बम्पर वैकेंसी आपकी 13 साल बाद राजस्थान में होने जा रही है। इसमें आपके जो आयुष विभाग में यानी चिकित्सा विभाग में जो आयुष विभाग है उसमें आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों की ये वैकेंसी है वो आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके पद भी क्या है भी बढ़ने वाले हैं। लगभग 800 जो पद हैं वो इसमें भर्ती होने वाले हैं। तो 13 साल बाद ये बम्पर वैकेंसी आपके राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी के पदों पर निकाली गई है।